माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बारी एक टेंटेटिव डेट्स का कुछ हमें बता दो सिम्बी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, बिकॉज एग्जाम्स भी लाइंड अप यार, सीमैट सीईटी। सो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा प्लान करने में हेल्प होगा। सो गाइस, हियर इज द वीडियो फॉर यू। यहाँ पे एक टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पे वो शॉर्ट शॉर्ट ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आज जो रिजल्ट है, आज एस आई डी टी एम की और एस एस बी एफ की रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि एस आई डी टी एम की आपको ईमेल कभी भी आ सकती है। अगर आपका सिलेक्शन है तो आपको ईमेल तो आ ही जाएगी पक्का से। सो टुडे वी हैव एस आई डी टी एम। बहुत सारे बच्चे एस आई डी टी एम के लिए एक्चुअली वेट कर रहे हैं। एस एस बी एफ का भी आज यू नो बेसिकली एक रिजल्ट आने के चांसेस है, मेरे ख्याल से आ ही जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नागपुर का ऑलरेडी आ चुका है, एस आई बी एम नागपुर उसका भाई ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से नागपुर का हो चुका है, तो ये मैं निकाल दूंगा। सो मार्च में ऑलरेडी आ चुका था। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मुझे पूछा कि सर लेना है कि नहीं लेना है, तो इसका एक कंपैरिजन का वीडियो बाद में बना दूंगा। अगर मैं बात करूँ एस आई बी एम पुणे, द एलिफेंट इन द हाउस, मार्च 10th को एस आई बी एम पुणे का रिजल्ट आएगा। बैंगलोर थोड़ा डिले होगा, मार्च 30th तक एस आई बी एम बैंगलोर आ जाएगा। एस एम एच आर डी मार्च 15 तक आएगा। एस आई आई बी एन एस एम एच आर डी ये दोनों दिन पे आएंगे। एक्चुअली यहाँ पर बड़ी टफ फाइट होती है एस एम एच आर डी एस आई आई बी में, ट्राई टू ग्रैब द सीट्स ए एस ए बी। देन यू हैव एस आई सी एस आर विच इज ऑन मार्च 9th। मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए आपको। अगर आपको मान लो एस आई सी एस आर आता है, या फिर मान लो अगर आज आपको एस आई डी टी एम आता है या फिर एस एस बी एफ आता है, और आपको लगता है कि सर मेरे अच्छे खासे चांसेस है एस आई आई बी के, तो यार थोड़ा सा वेट करना फीस भरने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि नो मुझे एस आई डी टी एम में एडमिशन लेना है, तो भाई मेरे उसकी जो रिफंड पॉलिसी है ना वो थोड़ी सी याद रखना कि कब तक तुमको पूरा का पूरा रिफंड मिल सकता है, वो चीज़ जानना जरूरी है। एस आई सी एस आर इट्स अ ओके टाइप कॉलेज। एस आई एम सी अप्रैल 18। बहुत सारे बच्चों की मुझे पिछले एक डेढ़ महीने में मैसेजेस आए, कॉल आए, मैंने कुछ पेरेंट्स से भी बात करी। उन्होंने ये कहा कि सर थैंक यू सो मच, आपकी गाइडेंस की वजह से बच गए। एस आई एम सी के बारे में हमारी कुछ अलग ही राय थी, बट आपने जो हमें फीडबैक दिए तो उसकी वजह से यू नो वी कुड एक्चुअली अप्लाई टू अदर बेटर बी स्कूल्स। सेम थिंग हैपन फॉर एस आई डी टी एम, सेम थिंग हैपन फॉर एस आई बी एम बैंगलोर ऑल्सो। सो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव एंड यू नो दैट सपोर्ट दैट यू हैव शोन मी ऑन वाई टी। एस आई एम एस का अगर मैं बात करूँ, एस आई एम एस मार्च 16 को है। देखो अभी जो रिजल्ट है ना गाइज, ये एक दो दिन में आ जाएंगे, तो थोड़ा ना पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना कि यार मुझे फीस भरनी है, मुझे ब्लॉक करना है एडमिशन। डोंट वरी, थोड़ा रुक जाना, बिकॉज एस आई एम एस के बारे में अगर मैं बात करूँ, एस आई एम सी के बारे में अगर मैं बात करूँ, और एस आई आई बी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इनके रिजल्ट इर्द गिर्द ही आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एस आई एम एस इज ऑल्सो गुड, इट इज इंडेड गुड, नो डाउट। एस सी आई टी इज ऑल्सो कमिंग ऑन मार्च 11th। एस आई एम नासिक इज कमिंग ऑन मार्च 15। एस आई एच इज ऑन मार्च 8। कुछ कॉलेज बच्चे हैदराबाद मार्च 14, एंड स्पोर्ट्स वाला जो है वो मार्च 16। इसका मतलब ये है कि आज से लेके अगले 10 दिन में आपके 90% सिम्बायसिस के कॉल्स निकलने वाले हैं, राइट, मेरिट लिस्ट निकलने वाली है। एट पूरी की पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा सिम्बायसिस कॉलेज मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि राउंड अबाउट लेट्स से अगले वीक, अगर आप एक कंपैरिजन चाहते हो कि सर एक सिम्बी के कॉलेजेस का कंपैरिजन करके दो जिससे हमें फायदा होगा, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अगर आप एस आई डी टी एम कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो यार आपका डेफिनेटली एस आई एम एस भी होगा, एस आई बी एम बैंगलोर भी होगा, एस आई बी एम नागपुर भी होगा, ये बहुत सारे कॉलेजेस आपके कन्वर्ट होंगे। यू गेट इट माय पॉइंट। और अगर आपका एस आई आई भी कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बाकी कॉलेज कन्वर्ट होना यू नो एकदम सी आई मीन ऑब्वियस बात है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आपको स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं कौन सा को, बिकॉज हर सिनेरियो बहुत भगदड़ हो जाती है बच्चों की कि यार एक बार लिस्ट आ गई एंड देन यू आर एक्साइटेड एंड देन विल पे द फीस, एंड देन बाकी पता ही नहीं चलता कि यार एस आई एम एस में भी हो गया, एस आई आई बी में भी हो गया, एंड देन यू नो आपका एडमिशन थोड़ा सा यू नो अच्छा कॉलेज निकल जाता है हाथ से। सो गाइज, ये एक टेंटेटिव लिस्ट है यार, इसका आप पिक्चर ले लो हाँ, ताकि आपको याद रहे। और ईमेल्स चेक करना मेरे भाई, ईमेल्स चेक करना, स्पैम फोल्डर वगैरह सब कुछ चेक करना, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, अगले 3-4 दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रादर अगले 10 दिन इंपॉर्टेंट है, रोज ईमेल चेक करते रहो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा, इसकी पिक ले लो अपने पास रखो ताकि आपको आइडिया मिले। और यार थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कर दो बच्चों के साथ। 95,000 पे आज हम बैठे हैं, बहुत जल्दी 100,000 हो जाएगा। मैं बड़े प्यार से आपके लिए वीडियोज बनाता हूँ और रियल कंटेंट देता हूँ, सपोर्ट तो बनता है यार आप लोगों का, राइट। सो गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।